अब मैं भिगोंगी कपड़ा। इससे पहले सर्फ थोड़ा सा डाल दी हूँ। तो इधर झाग बन गया है, अब भिगोंगी कपड़ा। और अब मैं करूंगी कंघी और थोड़ा सा एलो जेल गाइस। गुड आफ्टरनून। अभी है दोपहर के समय, मैं नहा ली हूँ, कपड़ा भी धो ली हूँ और कपड़ा मुझे अभी सुखाना है। धो ली हूँ कपड़ा और थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। आज भी बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, वो दिखाती हूँ। तो इधर देखिए धूप। सो पर देखिए मौसम बहुत साफ है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, अभी मैं इधर आ गई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए और मौसम आप लोग देख सकते हो बहुत साफ है, बहुत क्लीन है और धूप उतना ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। कल से आज थोड़ा सा गर्मी कम है लेकिन आज भी बहुत गर्मी है। तो इधर मैं कपड़ा सुखा ली हूँ और मेरे बाबू के साथ बात करते करते कपड़ा सुखा रही थी क्योंकि वो कैमरा के मतलब कि कैमरा के पास बैठा हुआ है ना, तो मैं उसे बोल रही थी जो कुछ मत करना कुछ मत करना। तो थोड़ा बहुत तो मतलब मुझे तंग करने के लिए वो बोल रहा था मैं कैमरा को हिला दूँ, यानी कि मोबाइल से मैं शूट करती हूँ ना, मोबाइल को हिला दूँ बोल रहा था। मैं बोली नहीं मत करना कुछ भी। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का सिंपल सा लंच। चावल, खीरा, प्याज ली हूँ, नमक मिर्ची और ये दही। दही के साथ चावल खाऊंगी। तो चलिए फटाफट से मैं लंच कर लेती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है और पेट ठंडा करने वाला लंच है। तो इधर है मेरा लंच, इधर है दही और थोड़ा सा नमक डालूंगी और खाऊंगी। मगर सो गाइस, खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठ गई थी और उसके बाद अभी मैं इधर आ गई हूँ। थोड़ा सा साफ करूँगी इस जगह को। ये जो फूल का पौधा ना, फूल के पौधे में फ्लावर नहीं आ रहा है, ये मेरीगोल्ड का फूल का पौधा है तो इसमें फूल नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो मैं तोड़ तोड़ के फेंक दूँगी। इसे आप लगा भी सकते हो तोड़ के, ये जग भी जाएगा तो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, बहुत सारा है अभी फूल नहीं आ रहा है तो इसी वजह से इसका ऊपर का हिस्सा तोड़ के फेंक दूँगी। और थोड़ा सा घास वगैरह हो गया है, घास को भी उठाना है। और इधर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है और तो मैं सोची चलो साफ़ कर लेती हूँ, बैठे बैठे क्या करो। ऐसे भी मैं दोपहर को उतना सोती नहीं हूँ,
मुझे नींद भी नहीं आती दोपहर को, लेकिन रात को बहुत तेज नींद आती है। तो चलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ इस जगह। और इधर मैं घास अभी उठा रही हूँ, फूल का जो पौधा है उसे मैं तोड़ ली हूँ जितना तोड़ना था। अभी मुझे घास उखाड़ना है, घास उखाड़ के फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। और इधर मैं काम कर रही हूँ तो मेरा बेटा का भी एक काम सूझ रहा है, वो करेगा। पानी जो बकेट में पानी लेके आ रहा है तो उसे मैं देख रही हूँ, वो ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा है, और क्या करेगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अभी मैं उठ के गई हूँ, पानी का बकेट लेकर आई हूँ, और पीछे पीछे ये भी दौड़ के आ गया है दौड़ते दौड़ते। और इधर आप लोग देख सकते हो, इधर इसने पानी फेंका और इसमें उच्च यानी कि जंप कर रहा है। पेपा पिग में पेपा और उसका जो डैडी है दोनों किचन में जंप करते हैं ना, वैसे ये कर रहा है। सो गाइस, अभी मैं अंदर आ गई हूँ थोड़ा सा बेडशीट वगैरह झाड़ने के लिए, क्योंकि शाम का समय हो गया है ना, तो अभी झाड़ूंगे तो रात के लिए आराम हो जाएगा। तो इसी वजह से अभी ही झाड़ के झाड़ू वगैरह कर दूँगी, शाम का भी झाड़ू लगाना है। तो इधर मैं बेडशीट को अच्छे से झाड़ ली हूँ और अभी मैं बिछा देती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ आप सभी लोगों से। सो गाइस, अभी शाम का 5:30 बज रहा है और सूरज भगवान दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी भी उजाला है, धूप है। शाम हो गया है, 5:30 हो गया है, और इधर का जो जो शोकेस है ना उसके ऊपर बहुत सारा धूल जम गया था। तो मैं सोची थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, और अंधेरा तो हुआ नहीं, 5:30 हो गया था। आप लोगों ने देखा ये व्यू, आप लोगों को दिखाई हूँ मैं बाहर का, अंधेरा नहीं हुआ है और शाम का भी झाड़ू लगाना है। तो मैं सोची थोड़ा सा शोकेस को भी साफ़ कर लेती हूँ, बहुत धूल जम गया है, क्योंकि रोज़ रोज़ होता नहीं, मैं भूल भी जाती हूँ, और इतना गर्मी में ना मन भी नहीं करता है। तो इधर आप लोग देख सकते हो धूल पूरा, और हमारे इधर ना बहुत जल्दी धूल जम जाता है, 1 दिन 2 दिन में। मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, 2 दिन या 3 दिन में मैं करती हूँ इस जगह को साफ़, और क्योंकि बहुत सारा चीज़ है ना, तो इसी वजह से रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ। और ये काफ़ी सारी चीज़ों को हटा के साफ़ करना पड़ता है, इसलिए 3 दिन में या फिर 2 दिन में साफ़ करती हूँ मैं। और सारा साफ़ हो गया है, और इधर जितना कचरा है सारा कचरा को उठा के मैं बाहर फेंकूँगी, और उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी। आधा रूम लगा ली हूँ, अभी मुझे आधा झाड़ू लगाना है। कचरा पहले मैं बाहर फेंक के आ गई हूँ, जितना प्लास्टिक वगैरह है ना, प्लास्टिक वगैरह रहने से अच्छे से झाड़ू नहीं लगता है, तो इसी वजह से फेंक दी हूँ। और मेरे पीछे पीछे मेरा बाबू भी आ गया, फ्रिज में क्या रखा है पता नहीं, मैं पानी थोड़ा सा रखी थी इस कटोरा में आइस बनाने के लिए, क्योंकि मैं अभी बनाऊंगी लस्सी। तो थोड़ा सा दही था आधा पैकेट, तो उसी आधा पैकेट दही को मैं मिक्सर जार में डाल दी हूँ, और जो कटोरा में मैं आइस जमाई थी वो कटोरा भी लेकर आई हूँ आइस वाला। और थोड़ा सा इसमें जितना चीनी का ज़रूरत होगा उतना ही चीनी मैं ऐड की हूँ, और ये जो आइस बनाई हूँ इसे भी मैं ऐड कर दूँगी। तो इधर आप लोग देख सकते हो, तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ, सिंपल सा ही लस्सी मैं बना रही हूँ। और इधर हमारा सिंपल सा लस्सी बनके तैयार हो गया है, मेरे लिए और मेरे बाबू के लिए ही मैं बनाई हूँ, हम दोनों के लिए बनाई हूँ। तो सिंपल सा लस्सी है, इसमें कुछ भी मैं ऐड नहीं की हूँ, ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसा कुछ भी ऐड नहीं की हूँ।
हूँ मेरे बाबू के पास, मेरे बाबू को भी दी हूँ एक गिलास और मैं अपने लिए ले ली हूँ एक गिलास। और ठंडा ठंडा लस्सी पी के बहुत पेट ठंडा हो गया है। और अभी हो गया है शाम का समय। और आज का व्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।